हाय फ्रेंड्स, आज हम याद करेंगे ड्रामेटिक रोमांस शेक्सपियर के। हिज लास्ट प्ले आर ट्रेजिक कॉमेडी कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांस, यानी उसके ट्रेजिक कॉमेडीज को ड्रामेटिक रोमांस भी कहते हैं। पेरिकल्स, सिम्बलाइन, द विंटर टेल, टेम्पेस्ट, ये फोर जो हैं वो उसके ड्रामेटिक रोमांस हैं। याद कैसे करना है? हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे और शेक्सपियर होते हैं लास्ट में, शेक्सपियर जो होते हैं एक तालाब के पास बैठ जाते हैं, ऐसे इमेजिन करेंगे। वहाँ से एक परी निकलती है। अब परी जो कपड़े पहनी होती है उसके हाथ में एक सिंबल होता है। किस चीज़ का सिंबल होता है? सिंबल होता है विंटर का, विंटर का। शेक्सपियर कहते हैं ये आपके जो हाथ में सिंबल है ये विंटर का है, इससे क्या वो है, इसका क्या मीन है? तो फिर वो विंटर टेल यानी कि उस ठंड की एक कहानी सुनाती है। वो कहानी सुना ही रही होती है, फिर एक टेम्पेस्ट आ जाता है और जिसमें शेक्सपियर और परी दोनों का अंत हो जाता है। तो आप आके बंद करिए दो एक बार इस स्टोरी को, याद करिए क्या होता है प्लस शेक्सपियर एक तालाब के बने अंत, यानी कि अंतिम प्ले यही है। इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं, पेरिकल्स यानी परी निकली थी एक तालाब के पास से, उसके पास एक सिंबल था यानी सिम्बलाइन। किसका सिंबल था? विंटर का। तो विंटर का जब शेक्सपियर ने पूछा था ये विंटर का, तो उसने क्या एक टेल कहानी सुनाना शुरू कर दी थी, विंटर टेल। और फिर क्या हो गया था? टेम्पेस्ट, तूफान आ गया था, उनका अंत हो गया था। द कॉमेडी ऑफ एरर इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले, ये कैसे याद करेंगे? शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? तो ऐसे एक कॉमेडी ऐसी थी जिसमें एरर हुई और वो सबसे शॉर्ट हो गई। शेक्सपियर प्ले रोल का इस किस्म में किया? एज यू लाइक इट में किया है, हमलेट में किया है, हेनरी में किया, मैकबेथ में किया। याद कैसे करेंगे? शेक्सपियर एक मैडम से मिलते हैं जो हेलमेट पहनी हुई होती है, उसके पास एक हैन होती है और उसके पास एक मैक होता है। हेमलेट मिलते हैं एक मैडम से जिसके जो हेलमेट पहनी होती है उसके पास, और इसके पास एक हैन होती है और एक उसके पास मैक होता है जो जिससे वो बहुत तेज तेज से बोलती है। तो मैक आके एक किंग होता है, डंकन किंग आके छीन लेता है मैक। और हेनरी जो होती है, हैन होती है जो कोर्स यानी कोर्स पे डांस करती रहती है। हैन किस पे डांस करती रहती है? कोर्स पे डांस करती है, कोरस देती है। और हेमलेट और हेलमेट जो होता है एक भूत उड़ा ले जाता है, एक भूत आता है उस मैडम से, एक भूत हेलमेट छीन लेता है। अब आपको याद हो गए होंगे यानी हेमलेट यानी हेलमेट कौन ले लेता है? भूत ले लेता है। हेलमेट कौन ले लेता है? भूत ले लेता है। हेमलेट किसके सर के ऊपर होता है? मैडम के। मैडम किससे मिलती है? शेक्सपियर से। तो दो एक बार जो मैंने अभी बताया है वो दो एक बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा।